झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और तारीख का भी ऐलान हो चुका है और इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुके हैं और वहीं झारखंड के खिजरी विधानसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। चुनाव को लेकर एनडीए फोल्डर प्रत्याशी राम कुमार पहान मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राम कुमार पहान ने रफ्तार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता का जनाधार उनका बखूबी मिल रहा है और इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता लंबे समय का इंतजार खत्म हो रहा है, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा झारखंड में? देखिए, जिस तरह से 5 साल के दरमियान में यूपीए सरकार, हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस ने जिस तरह से जनता को धोखा दिया है, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो घोषणा पत्र किए थे उसके अनुकूल उन्होंने जो काम नहीं किया है, जल जंगल जमीन का जो बात उन्होंने किया था और आज बालू का रेट 50,000 हाइवा हो गया है, आज मैया योजना के माध्यम से जिसको 1,000 रुपया दे के लोगों को गुमराह करके ठगने का काम कर रही है। दूसरा है कि जो मैया योजना का जो पैसा दे रहा है वो भी 6 महीना से विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बंद है, आज विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन को पैसा को कन्वर्ट करके आज मैया योजना में खर्च कर रहा है। वैसे वृद्ध माता जिसका दोनों शाम के खाने के लिए नहीं है वो अभी कहीं ना कहीं भटक रही है। तो इन्हें सारे विषयों को लेकर यूपीए के सरकार के गठबंधन के विरोध जनता में काफ़ी आक्रोश है और इसका लाभ एनडीए को मिल रहा है और हमको इसके इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में अपार बहुमत के साथ में एनडीए यहाँ पर चुनाव जीतेगी और भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए परिवर्तन होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल है ये कि जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, खिजरी विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, एनडीए ने भरोसा जताया है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कह रहे हैं जनता आप? लेकिन चूंकि तो मैं तो अपना खिजरी विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गाँव हम जा रहे हैं और लगता है हमको 60-70% गाँव पहुँच गया और हम 5 साल घूमते ही रहते थे, परंतु क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है उनके प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश के पीछे यही कारण है कि 5 साल के दरमियान में एक भी काम, विकास का काम गांव तक नहीं पहुंचाया, परंतु जब अभी चुनाव का जब बिगुल फूजने वाला था, 1 सप्ताह के अंदर में उनके घर में अलमीरा में जो आवेदन दिया हुआ था उसमें आवेदन को निकाल कर और उसमें सिलापट बनवाया और एक ट्रक में लोड करके और गांव-गांव में सिलापट बना दिया, ना तो उसका कहीं आवेदन में कहीं अप्लीकेशन सरकार के पास में है, ना तो उस पर किसी तरह का स्वीकृति है, ना तो किसी पर अनुशंसा है, सिर्फ वोट लेने के लिए एक तरह से जो षडयंत्र रचा इसको जनता जाग चुकी है और इसको जानने के कारण भी जनता में काफ़ी उनके प्रति आक्रोश है।